तो बहुत लोग को ना ये भी पता नहीं रहता कि ये जो सीट बेल्ट है उसको लगाते क्यों हैं। लगाना जरूरी इसलिए है दोस्तों क्योंकि आपके गाड़ी में एयर बैग भी है। अगर आप सीट बेल्ट नहीं लगाए हैं तो एयर बैग खुलेगी भी नहीं अगर आपकी गाड़ी ठोकेगी तो। देख सकते हो मैं रनिंग कर रहा हूँ अभी हाईवे पे और देखिए यही वाला सीट बेल्ट अभी मैं डायरेक्ट लगा दिया हूँ पीछे से। अगर दोनों सीट बेल्ट लगा है तभी एयर बैग खुलेगा नहीं तो नहीं खुलेगा दोस्तों। तो क्या मतलब आप गाड़ी एयर बैग वाला लिए हो तो सीट बेल्ट जरूर से लगाना। तो गाइस अपन अभी जा रहे हैं बालोद जिला, अभी धमतरी में पहुंच गया हूँ। सुबह से निकल गया था ट्रैफिक कम मिले करके, तो अभी ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ मैं आज का। ये धमतरी है तो देख सकते हो अभी टाइम हो रहा है 10:06, लेकिन ट्रैफिक देखो। मैं सोचा था 8 बजे निकल जाऊँ लेकिन टाइम ही हो जाता है जानते तो हो। खैर देर ही सही। यहाँ ना सिग्नल में आदमी ना पागल हो जाएगा, रायपुर बन चुका है पूरा ये। आगे फिर सिग्नल जाम। अकेले जा रहा हूँ देख सकते हो बहन लोग को लाने के लिए। बल्ले नो ग्लांजा, ग्लांजा है ग्लांजा। चलिए भाई साहब फाइनली 300 साल बाद हमको सिग्नल मिला। मौसम देख रहे हो आज तगड़ा है एकदम कतई जहर वाला धूप। अभी दुकान तो खुला है नहीं। हेलो भैया एक टक और मिल गया ना, एक भी नहीं मिल रहा है। सोचो अगर एसी का आविष्कार नहीं हो रहता तो दोस्तों, कार में एसी नहीं दिया रहता तो पागल ही हो जाते। तो सामने वाली बलेनो है ग्लांजा, उसी का टोयोटा निकाली है। यहाँ पे ना एक डेस कैमरा लूंगा मैं, अभी सेटअप अभी लिया नहीं हूँ इसीलिए मैं ऐसी ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। नहीं तो एक तो यहाँ पे लगाऊंगा फोन। चलिए लास्ट सिग्नल को क्रॉस करके भाई भाई सेलेरियो एक्स। चलो दोनों भाई पीछे खड़े करते हैं। क्वालिटी बताना दोस्तों कैसा आ रहा है क्योंकि अभी 4K ऑन किया हूं मैं। ये देखिए 4K। ये बस वाले ना परेशान कर देते हैं सिटी में भी। यहाँ क्या साइड देंगे भाई, यहाँ तो जगह ही नहीं है। और साइड दोगे तो फिर आगे हम जाकर रुक जाएंगे क्या मतलब फिर। ये छत्तीसगढ़ में ना एक्सीलेटर कम ब्रेक ज्यादा दबाना पड़ता है। देख रहे हो कैसे कर रहे हैं, घुसा ले मेरे कार में घुसा ले भाई आ जाए। फाइनली देखिए फोर्ड भाग गई। फोर्ड ये जा रहा है SUV 5W6 नॉन सनरूफ। बाइक वाले भी ना ऐसे वाटुक करते हैं ना कि पूछो मत। गौ माता को कैसे ले जाया जा रहा है देख सकते हो बांध के। ये रोड बालों तक मस्त फ्रेश है एक नंबर। आराम से 70-80-90 तक 100 खींच लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। हाथ में कैमरा उठाओ ब्लॉगिंग स्टार्ट करोगे ना तो पता ही नहीं चलता 4-5 मिनट कैसे हो जाता है। अभी देखा तो 4 मिनट हो गया है दोस्तों, अभी 4 मिनट का फुटेज बन चुका है। चलिए गाइस अपन ले डाले फल वल जितना भी लेना था। अब
कहीं भी नहीं रुकेंगे, सीधा चलते हैं, गाड़ी ऑन एंड गो। बाल तो देखो कितना बड़ा कर दिया हूँ मैं, अभी तो और बड़ा करने वाला हूँ। बारिश में से पानी गिरता है तो देखो रोड कैसे साफ हो जाता है। तो चीज बड़ी है मस्त। दोस्तों YouTube में अगर कॉपीराइट वाला सिस्टम ही हट जाता ना तो क्या ही बताऊं, एनी टाइम सॉन्ग। तो बहुत लोग को ना ये भी पता नहीं रहता कि ये जो सीट बेल्ट है उसको लगाते क्यों है। लगाना जरूरी इसलिए है दोस्तों क्योंकि आपके गाड़ी में एयर बैग भी है। अगर आप सीट बेल्ट नहीं लगाए हैं तो एयर बैग खुलेगी भी नहीं अगर आपकी गाड़ी ठूकेगी तो। तो देख सकते हो मैं रनिंग कर रहा हूँ अभी हाईवे पे, और देखिए यही वाला सीट बेल्ट अभी मैं डायरेक्ट लगा दिया हूँ पीछे से। अगर दोनों सीट बेल्ट लगा है तभी एयर बैग खुलेगा, नहीं तो नहीं खुलेगा दोस्तों। तो क्या मतलब आप गाड़ी एयर बैग वाला लिए हो, तो सीट बेल्ट जरूर से लगाना। शहर है गुरूर, गुरूर पहुंच गए हैं। गुरूर थाना देख सकते हो, और छोटा सा सिटी है जो कि यहाँ सब चीज़ मिल जाता है। वैसे बहुत मतलब 2-3 किलोमीटर तक है इसका मार्केटिंग जोन, देख सकते हो। जाइए छोटे मियाँ जाइए। तो ये है बालोद का तांदुला नदी, देख सकते हो कैसे व्यू आ रहा है यहाँ से। इधर का दिखाऊं तो देख सकते हो इधर का, ये है यहाँ का मुक्ति धाम, और ये अभी खुला है 2 साल पहले सुमित बाजार। कुछ ऐसा है, टॉकीज भी है छोटा सा। यहाँ से स्टार्ट है सिटी, दुकानदारी, सेकेंड हैंड कार्स भी अब खुल गया यहाँ पे, लेन देन, टीवीएस शोरूम। आज उतना भीड़ नहीं लग रहा है सुबह का कारण। बालोद में तो एक ही सिग्नल है जो कि आगे है, काफी है एक एक दुकानदार। यहाँ बालोद भी बहुत डेवलप हो गया है पहले से, जिला बनने से होना चाहिए आप तो जानते हो। और ये सिग्नल ऑन है, चलिए जल्दी से। ऐसे नहीं बोलते पापा परिया, देख सकते हो रेड को पूरा रोड को पूरा घेर के चलते इन लोग, और ना का तो कोई मतलब ही नहीं है देने से इन लोग को। और ये यहाँ का बस स्टैंड है, देख सकते हो वीर नारायण बस स्टैंड मालूम। जीजू तो काम कर रहे थे अपना, मेडिकल भीड़ था इसलिए मैं चलो घर ही जाता हूँ। तो इधर साइड है आमा पारा और इधर साइड है कुंद्रू पारा, तो अपन को कुंद्रू पारा में जाना है। दीदी का घर कुंद्रू पारा में है, यस भवन। Thank you.
चौड़ा था ये रोड, सब घर बना बना के छोटा कर दिया। देख सकते हो इधर से भी जाएंगे तो भी पड़ेगा यस भवन, इधर से जाएंगे तब भी पड़ेगा। इधर सामने है फाइनली हम लोग नया पारा राजिम पहुंच गए हैं दोस्तों, पूरा सफर करने के बाद। और देख सकते हो अभी ये ज्वेलर्स दुकान में आए हैं, देख सकते हो। और टाइम हो रहा है अभी, दिखाता हूँ आपको अभी टाइम 5:43 हो रहा है। तो ठीक है, वीडियो अभी यहीं पे एंड करते हैं दोस्तों। अब मैं घर जाऊंगा, आराम से फ्रेश फ्रेश होऊंगा, खाना वाना खाऊंगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। एक चीज़ सब्सक्राइब बिल्कुल से कर दीजिए भाई, अभी आगे ना ब्लॉग में नया नया चीज़ आने वाला है।